हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज समझ नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाऊं, तो फ्रिज खोला तो देखा कल की सब्जियां पड़ी है, वो भी अलग अलग तरीके की। कुछ मैश करके पड़े हैं आलू, कुछ उबले हुए पड़े हैं, और आलू गोभी की सब्जी है, कहीं पे मिक्स करा हुआ पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सब कुछ पड़ा है, इसका क्या करूँ। अलग अलग रोटी तो खा नहीं सकते अलग अलग सब्जी के साथ, तो मैंने सोचा सभी के लिए ना इसके पराठे बना देती हूँ। तो मैंने सारी सब्जी ली और तीन चार उबले हुए आलू भी थे पड़े हुए, उसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। देखो खाना तो रोज़ ही बनाना है, और रोज़ एक नया आइटम बनाना तो काफ़ी मुश्किल है, और बची हुई चीज़ों को फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम बनाते हैं और लेकर भी आते हैं, तो उनको फेंकना भी बेकार बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना इकट्ठा करके इसको अच्छे से मैश कर दिया जाए, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने ना इसमें आटा ऐड कर दिया है, और आटा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे जितना है आलू उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यूज़ किया, ताकि चार पांच लोगों के लिए बन जाए। और एक साइड में मैं यहाँ पे हरा धनिया काट लूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है डालना, क्योंकि किसी भी चीज़ में हरा धनिया डालो तो अलग ही टेस्ट आता है। और फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ना डाल के चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया, क्योंकि बच्चों ने भी यही पराठे खाने हैं, तो मैंने सोचा हरी मिर्ची काटूँगी तो फिर अलग से मुझे पीस के डालना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों के मुंह में आएगा। फिर मैंने नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, और एक चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी भी डाल दिया है। वैसे तो सब्जियों में ऑयल है उसका काफ़ी, लेकिन फिर भी मैंने एक चम्मच घी ज़रूर डाला है यहाँ पे, क्योंकि टेस्ट उससे भी एनहेंस हो जाएगा। और धीरे धीरे इसको मिक्स किया, और लग रहा था जैसे कि ना गीला हो रहा है, और थोड़ा सा और ऐड किया मैंने बाद में आटा, ताकि ये जो डो हमारा बने ना बहुत ज़्यादा गीला ना हो। फिर भी हल्का सा सॉफ्ट ही था ये, फिर मैंने ज़्यादा आटा ऐड नहीं किया यहाँ पे, नहीं तो ना जो भी आलू और सब्जियाँ हैं उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और कम से कम मैंने आटा यूज़ करने का ट्राई किया है यहाँ पर, और डो मैंने लगा दिया है, और 5 मिनट के लिए इसको साइड रखा मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। और ये जो आदत है ना, मुझे लगता है सभी की होती है, कि कुछ एक काम करो उसके बाद साफ़ करो, फिर एक काम करो फिर साफ़ करो। और यहाँ पे मैंने एप्रन पहन लिया है, ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो, ना धो के बैठी हूँ फिर वापस से। मेरा बेटा बोलता है नहीं तो मम्मा आप में से ना मसालों की स्मेल आ रही है, तो इसीलिए मैं एप्रन पहन के ही खाना बनाती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पे गोल गोल पराठे बेल लेंगे, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये ईजी लगता है ज़्यादा बनाने होते हैं तो। मैं यहाँ पे पराठों को देसी घी से सेक रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या जो भी आप यूज़ करते हैं वो वाले ऑयल से सेक सकते हैं। देसी घी से मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए मैं सबके लिए देसी घी से ही सेक दे रही हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से मैं सारे ही पराठे बना लूँगी, और साइड में मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय ज़रूरी है पराठों के साथ सुबह के टाइम। मतलब वैसे तो मुझे आदत नहीं है चाय पीने की, लेकिन जब पराठे बन रहे हो फिर तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पर अदरक वाली चाय बनेगी, मेरी फेवरेट। और आप देख सकते हो पराठे इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ना, मतलब हाथ में लेती लग रहा था जैसे बिल्कुल एकदम मुड़ जाते हैं ना, वैसे हो गए थे। तो मैं करूँगी अपना नाश्ता एंजॉय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।